Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT part 1st. Radiation Physics के अंदर हम आज एक normal सा topic, basic सा topic start करने जा रहे हैं जिसका नाम है Electricity and Magnetism. ठीक है, इसके बारे में वैसे तो आप जो आपकी schooling है 12th 11th की उसके अंदर अच्छे से आप पढ़ चुके हो, लेकिन बट फिर भी अगर हमारे syllabus में ये है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में. ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आज का सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश बोलते हैं. ठीक है, तो अब अपन चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है. ठीक है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट द होल एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल बट इफ देयर इज एनी ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन देन एटम विल बी चार्ज्ड. ये अपने को क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसी भी एटम्स की अगर बात करें, कोई भी एक एटम अपन ने लिया तो अपने को पता है कि एटम के अंदर प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ठीक है, वो भी कैसे, समांतर, मतलब जितने नंबर में आपके जितने आपके प्रोटोन होंगे वहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, अब जैसे भी वो जो एटम है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के जो नंबर है वो इक्वल है, तो अगर उस वक्त क्या होगा, अगर अपन उस एटम का जो होल जो पूरा एटम है उसके ऊपर अगर चार्ज पता करें कि उस पर कितना आवेश है, तो वो आपको कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, मतलब वो आपको जो वो एटम है वो उदासीन मिलेगा. ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे वहाँ पे. बट उस एटम से किसी भी प्रोटॉन या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, अगर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो एटम चार्ज्ड कहलाएगा, आवेशित कहलाएगा. ठीक है, उस पर एक चार्ज आ जाएगा. अब ये डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कौन सा आएगा, ये डिपेंड करता है आपका कि वहाँ पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है या फिर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ है. ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो चार्ज आ रहा है उसके ऊपर ये कितने प्रकार का होता है, आपका दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज. अब ये आएगा कैसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है और इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए हैं. जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक भी अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पे क्या होगा, एटम के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन. अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि उस एटम पे आपको कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा. ठीक है, दूसरा अगर अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, वो जो एटम है उसके ऊपर किसी दूसरे एटम से या तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर वो क्या कर देता है, किसी प्रोटॉन का लॉस कर देता है, मतलब प्रोटॉन अपने में से निकाल के कहीं और ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपके जो एटम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो ज़्यादा पाए जाएंगे कंपेरिजन टू द प्रोटॉन्स. तो इस वक्त आपका जो पूरा जो एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा. ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते क्या हैं. अब अपन एक लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, किसी भी एटम की. ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, दैट मीन्स कोई भी आपका एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वो एटम आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड मिलेगा. ठीक है, और अगर वो एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है. ऑब्वियसली बात है कि जो आपका प्रोटॉन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो साफ सी बात आपको पता चल रही है यहाँ पे कि जो आपका एटम है वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा. अब अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के अंदर आपको यहाँ पे उल्टा मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, दैट मींस किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा है तो
तो वो जो आपका एटम है वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एटम है वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, अभी अपन ने ये बातें की किसकी, चार्ज की। चार्ज कितने प्रकार का हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं ये चार्ज आएगा कहाँ से, ठीक है, या फिर जो अपन ने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होना या फिर प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र होना वो होता है कैसे। तो इसका एक नॉर्मल सा एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, ठीक है, इजी सा एग्ज़ाम्पल है जो अपन शायद अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ट्रांसफ़र की अभी अपन ने बात की है, कैसे एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में जाते हैं और कैसे उन पे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है वो उस पे कैसे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द सिल्क। जैसा कि ये है एक उदाहरण है नॉर्मल, और अपन जो अपने डेली रूटीन है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसे काम लेते हैं। फ्रिक्शन जो होता है आपका, जिसको आप घर्षण बोलते हो, घर्षण से क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एटम तो आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन गया वो कैसा होगा आपका, नेगेटिवली चार्ज। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप एक सिल्क के कपड़े को, एक जो आपकी ग्लास रोड होती है, अगर उससे उसको रब करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को रब करते हो तो आप देखते हो कि ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सिल्क के कपड़े पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो ग्लास रोड है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रही है। ठीक है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्लास रोड के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि अभी अपन ने पॉजिटिव चार्ज की जो डेफिनेशन थी वहाँ पे पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ग्लास रोड है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, उस पर एक आवेश आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। ठीक है, नाउ द ग्लास रोड हैज़ लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि अभी अपन ने बताया कि जो आपके ग्लास रोड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, या फिर अपन अगर दूसरे वे में बात करें तो प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिससे जो आपके ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली सिल्क हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली क्या होगा कि जो आपकी सिल्क था, सिल्क को क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, सिल्क का जो एटम है, सिल्क के जो एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द प्रोटॉन। ठीक है, अभी जैसा अपन ने नेगेटिव चार्ज के डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू द प्रोटॉन तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको अपन डेली रूटीन के अंदर करके देख सकते हैं और लगभग फील भी किया होगा बहुत बार। ठीक है, और इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कंघी करते हो तो जो आपका कोम्ब होता है, ठीक है, जब कोम्ब को आप हेयर में से निकालते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, कोम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है। आप कंघी करने के बाद अगर अपने जो कोम्ब है, कोम्ब को अगर किसी भी फाइन पार्टिकल्स के पास में लेके जाओगे तो उसके पास वो फाइन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे क्या होगा, वो जो चार्ज आया है उसके ऊपर वो क्या करता है, या तो अट्रैक्शन कराएगा या फिर रिपल्शन कराएगा। ठीक है, तो वो कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ये डेली रूटीन के अंदर अपन बहुत बार देखते हैं और बहुत बार अपन ने ये चीज़ें फील भी की है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अभी अपन ने डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सिल्क क्लॉथ को जब अपन ग्लास रोड से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है और आपके जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। इसी को ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद में जब आपकी वो जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल कर रही है, यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि ये रिपल्सन कैसे होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है, या फिर इस प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।
इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे नोट लगा के डिस्क्राइब किया है। इट इज़ आल्सो फाउंड दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हमने मैग्नेट्स के अंदर भी पढ़ा है और ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता भी होगा कि लाइक चार्जेस का मतलब समान आवेश, ठीक है, या तो दो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दो नेगेटिव चार्ज हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है, अपने आप से, मतलब वो अपने आप को उसको रिपेल करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। उसको अपन क्या करते हैं कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरा होता है अनलाइक चार्जेज, अनलाइक चार्जेज का मतलब एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल आवेश की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण आपका क्या करता है कि जो कोई भी चार्ज्ड बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, अभी अपन ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, चार्ज आया कैसे, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, एक अपन ने एग्जांपल के थ्रू डिस्कस भी कर लिया। दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा, ये जो अभी अपन देख रहे हैं कि जो लाइक चार्जेज है वो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको भी आगे अपन एक और इमेज के थ्रू या फिर एक और स्लाइड्स के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आप देखोगे कि कैसे दो चार्जेज हैं वो अपने एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और दो चार्जेज कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने डायग्राम के थ्रू समझाया है कि दो जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेज होते हैं या फिर जिनको अपन अनलाइक चार्जेज बोलते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये जो अपना अपना मेन जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर अपन सेकेंड सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्ब का इनवर्स स्क्वायर का नियम, ठीक है। इसके बारे में वैसे देखा जाए तो आप पढ़ के आ चुके हो, जो आपकी जो रेडिएशन फिजिक्स के लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आप 12th तक पढ़ के आ चुके हो, बट फिर भी हमारे सिलेबस में तो हम दोबारा से इनको डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कूलम्ब्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ की, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। तो कूलम्ब्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है कि कोई भी आपके दो पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, जिनको आपने क्या किया, एक डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, दोनों के बीच में अपन डिस्टेंस कोई भी अब जो सपोज कर लेंगे, ठीक है, आगे दोनों चार्ज, दो चार्जेज है आपके पास, तो ये बोल रहा है कि जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, बल उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स किसके बराबर होता है या फिर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो वो दोनों चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड का मतलब उनका परिमाण, ठीक है, उन दोनों चार्जेस के परिमाण के, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, वो तो क्या हो गया आपका फोर्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। दूसरा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और साथ ही साथ आपका जो फोर्स है उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के, ठीक है, आया समझ में। दैट मीन्स कूलम्ब्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बताता है कि कोई भी अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये कैसा होगा,
ठीक है। तो दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, दैट मीन्स कि उन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी उन चार्जेस की प्रॉपर्टी पे कि वो चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। अगर अपन दोनों चार्जेस लाइक लेंगे, मतलब समान लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। और अगर अपन वो दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस लेते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो अब तो उस वक्त उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ठीक है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, जिनको अपन ने एक डिस्टेंस पे रखा है। अब अपन देख लेते हैं कि वो चार्जेस क्या है, या फिर इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, दो चार्जेस है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। एक चार्ज को अपन ने नाम दिया Q1 और दूसरे को नाम दिया हमने Q2। अब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन ने सपोज कर लिया कि वो डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। इफ़ F इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और अपन ने यह भी मानना है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है, ठीक है। चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस R, और दोनों किससे सेपरेट है, एक डिस्टेंस से जो कितनी है, R है। देन तब क्या होगा, जो आपका फोर्स है वो किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R squared, ठीक है। जैसा कि अपन ने थ्योरी में डिस्कस की थी, वो बात तो यहाँ पे आती है केवल Q1 Q2 upon R squared में, ठीक है। बाकी अपन ने एक यहाँ पे K ऐड किया है जो क्या है, एक कांस्टेंट है। जब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट को लेके आते हैं। ये चीज़ें आपने जब भी फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन किए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें समझी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे K किस वजह से आया है, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको जब अपन रिमूव करेंगे तब अपन यहाँ पे उस के प्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि अपन ने थ्योरी में पढ़ा था वही बात भी, Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के, तो आपका फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, जहाँ पे क्या है, के क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। द एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.854×10⁻½ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो आपका कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू तो क्या होती है, इज इक्वल टू 1.4πε0, ठीक है। अगर इसकी केवल के की बात करें कांस्टेंट की, तो इसकी वैल्यू होगी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। और अगर अपन बात करें जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, वो कितना है, 8.854×10⁻½ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन ने अभी कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ पे डिस्कस किया है। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा है, नॉर्मल सी बात है कि कूलम ने ये नियम दिया था, कूलम एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि जो दो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनको अगर अपन एक डिस्टेंस आर पे रखते हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या फिर वो रिपल्सन का फोर्स हो, वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये नियम दिया था कूलम ने, ठीक है। और इसके अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो आता है आपका एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R squared, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसको अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझने से पहले अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स कि कोई भी चार्ज, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके चारों तरफ का स्पेस या फिर उसके चारों तरफ की वो जगह जहां पर अगर अपन दूसरा चार्ज लेके जाए, ठीक है, तो वो क्या करे, एक फोर्स फील करे या फिर एक फोर्स को या एक बल को महसूस करे, तो वो जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर वो गया था और वहाँ पे उसने
एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया वो क्षेत्र ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज के पास जब आप दूसरा चार्ज लेके जाते हो, तो अगर अपन बात करें फर्स्ट चार्ज की, तो फर्स्ट चार्ज जो अपन ने बात की उस चार्ज का वह क्षेत्र, ठीक है, या फिर अपन नॉर्मल बात करें किसी भी चार्ज का, किसी भी चार्ज का वह क्षेत्र जहाँ पे अगर अपन दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, तो वह जो दूसरा चार्ज है वो फोर्स को फील करता है, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, तीव्रता, ठीक है। स्ट्रेंथ का दूसरा अगर अपन बात करें तो इसको अपन एक और वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, हिंदी में बात करें तो शक्ति, या फिर एक प्रकार से बात करें कि उसकी पावर कितनी होगी, ठीक है। जो अपन ने अभी नॉर्मल बात की कि आपका जो एक चार्ज है उसके चारों तरफ का जो स्पेस है जहाँ पे अगर दूसरा चार्ज आता है और वो फोर्स फील करता है, तो वो स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अपन ने एक नॉर्मल सा पॉइंट ले लिया, ठीक है, जहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, या फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो उस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही चीज़ क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब कि जो चार्ज है आपका, उस चार्ज के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपने एक कोई भी एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो उस पॉइंट पे आप दूसरा चार्ज लेके आते हो और वो जो दूसरा चार्ज है वो कितना फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी एट हैंड्स अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। जैसा कि आपको बता दें कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि, दो राशियां होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, जिसको इंग्लिश के अगर अपन बात करें तो एक को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर मीन्स सदिश राशियां, और स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियां, ठीक है। इनके बारे में अगर अपन शॉर्टली रिवाइज करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है, और जो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती नॉर्मली, ठीक है, उनको अपन स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आया समझ में, एक बार शॉर्टली इसको दोबारा से बता देता हूं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे जो दूसरा चार्ज अपन ला रहे हैं जो फोर्स फील कर रहा है, वह कितना फोर्स फील कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। अब अपन इसकी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैथमेटिकल इसको अपन कैसे डेराइव करते हैं, ठीक है, या फिर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि अपन ने पहले बात कर ली, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। इफ एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज क्यू, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इज गिवन बाय, जब कोई भी चार्ज अगर अपन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो अगर वो चार्ज आपका क्या है वहां पे Q है, अगर ठीक है, है, और तो उस जो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर वो जो फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपका फोर्स क्या है एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपन कैपिटल E से यहां पे डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, यूनिट कैसे आई, एफ अपॉन क्यू है, एफ फोर्स, क्यू चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी आपकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एक बार दोबारा से समझ लो, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है। कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे, या फिर मतलब वो जगह या फिर वो क्षेत्र जहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज अगर अपन लेके आते हैं, तो वो क्या करे, एक फोर्स
फील करे, ठीक है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, वो अभी अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अपन केवल इतनी बात करते हैं कि अगर दूसरे चार्ज को अपन उसके क्षेत्र में लेके आते हैं तो जहाँ पे वो क्या करता है, फोर्स फील करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे शक्ति की बात की जा रही है, इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तीव्रता की बात की जा रही है, पावर की बात की जा रही है, वो कितनी होगी, ठीक है। तो जो आपका दूसरा चार्ज यहाँ पे आया है, ठीक है, उसने कितना फोर्स फील किया या फिर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। और इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर जो फोर्स अपन फील कर रहा है, जो चार्ज फील कर रहा है, वो एफ है और चार्ज क्यू है, तो उस वक्त आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो रेडिएशन फिजिक्स के अंदर अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर अपन ने तीन टॉपिक आज पढ़े हैं। फर्स्ट चार्ज का इंट्रोडक्शन, चार्ज के बारे में पढ़ा। दूसरा कूलाम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा। और तीसरा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। आगे की क्लास में अपन आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।